हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बंटी ब्लॉग्स। मैं हूँ बंटी और आप लोग देख रहे हैं ब्लॉग। तो गाइस, अभी दशहरा का समय है और मैंने आपके लिए एक छोटा सा वीडियो खोजा है, तो आप उसे जरूर देखें। तू मारेगा मुझे, तुम सब यहाँ मुझे मारने इकट्ठे हुए हो। अरे तुम्हारा खुद का कोई ईमान धर्म नहीं है, तुम मारोगे मुझे। और एक बात बता, पिछले साल तो कोई और आया था मारने मुझे, इस बार वो नहीं आया? वो लाल साल वादा पूरा को नहीं करिया सब, तो हम कि मैं आया हूँ सर। तुम सब अंदर से एक जैसे के जैसे हो। ठीक, भीड़ इकट्ठी हुई है मुझे मारने के लिए। आज मैं माता सीता को लेकर गया था, इसीलिए मारने के लिए इकट्ठे हुए ना तुम सब आज। हाँ मैं मानता हूँ मेरी गलती, लेकिन माता सीता को किसी कारागार में नहीं, सबसे उत्तम वाटिका थी उसमें रखा था मैंने। और हाथ लगाना तो दूर, गलत नजर से देखा तक नहीं था मैंने माता सीता को। और तुम्हारे यहाँ छोटी छोटी बच्चियों को दरिंदे उठाकर लेकर चले जाते हैं, उनके साथ रेप करते हैं, उनको तो तुमने कभी ऐसे इकट्ठा होकर जलाया नहीं। वो दरिंदे क्यों खुलेआम घूम रहे हैं आज भी, मुझे ये बताओ। आए मुझे जलाने, अब चोटे तू बता। मैं तो सभी वेद और ग्रंथों का ज्ञाता हूं, तूने कौन सी वेद ग्रंथ या पुस्तक पढ़ी है मुझे ये बता। पांचवी फेल, मेरे समक्ष बोलेगा तू? चुपचाप खड़ा रह तू। देख, मुझे ना केवल संगीत का शौक है बल्कि सभी रागों का, सुरों का और वाद्य यंत्रों का ज्ञान भी है। तुझे क्या ज्ञान है वाद्य यंत्रों के बारे में? ये मारने आया है मुझे। अब तुम लोग सुनो, मेरे जैसा महादेव का भक्त ना तो कोई हुआ है, ना मेरे जैसा महादेव की भक्ति किसी ने की है। और तुम लोग, तुम्हारा भी कोई जमीर नहीं है, भगवान पलटते समय नहीं लेते तुम। काम हुआ तो ठीक, तो चलो महादेव के पास, हुए तो चलो महादेव के, नहीं हुए तो चलो इस बार बालाजी के चलते हैं। क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है मेरे ऊपर? तुम लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, मैं चाहे कैसा भी हूँ लेकिन तुम्हारे इस मंत्री जैसा कदापि नहीं हूँ मैं। मेरे राजपाट में जनता प्रसन्न रहती थी, खुश रखता था मैं उन्हें, इसकी तरह पटाखों की चोरी कभी नहीं की मैंने। बोलू, बता दू सभी को, ये दुष्ट, ये तुम्हारा मंत्री दुष्ट एक नंबर का, ये कागजों में लिखता है कि रावण दहन के लिए 50 पेटी पटाखों के लगे, और लगा था 5 भी नहीं है, ये सब इसके घर पे जा रहे हैं। और तुम लोग क्या कहते हो, बुराई पर अच्छाई की जीत। कहां हुई बुराई पर अच्छाई की जीत, जब तक तुम्हारे मन में चोरी, गद्दारी, लालच, वासना, द्वेष, अहंकार जैसी भावनाएं जीवित है, बुराई कैसे मरेगी? बुराई मर ही नहीं सकती। तुम लोग मुझे खत्म करने आए हो ना? अरे मेरा खात्मा तो मेरा अहंकार कभी कर चुका। अब अगर मारना है, जलाना है, तो अपने अंदर छुपे रावण को जला, उसको मारो, सच्चाई और अच्छाई को अपना लो, बुराई अपने आप खत्म हो जाएगी। और अगर तुम मुझे जलाने के उद्देश्य से ही आए हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि सिर्फ छोटे बच्चे ही आज की तारीख में मुझे जला सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर चोरी, गद्दारी, लालच, घृणा, वासना, द्वेष, अहंकार जैसी भावनाएं नहीं है, असल में वही है ईश्वर का स्वरूप। ए लड़के, लगा दे आग फिर से, जला दे। अगले साल फिर आऊंगा मैं जलने के लिए, लेकिन अगले साल मैं देखूंगा कि आप लोगों ने अपने अंदर के रावण जलाए या नहीं। खुश हैं अभी आप सब? एक बार फिर से आपका रावण जल रहा है।